वेलकम टू मारोविचो फट इन इंडिया। तो जो शुरू करते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से साउंड आएगा कंस्ट्रक्शन का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस, और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लूना स्नो का मैंने ट्विटर पर ट्वीट करके डाल दिया था, जैसे मेरे को दिखा वैसे, और ये वही ट्वीट है जो मैंने ट्वीट किया था। और इस ट्वीट के अंदर में यहाँ पर लूना स्नो की बॉडी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसका नया यूनिफॉर्म दिखाया गया है 3099। ये 3099 है कि 2099, वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूँ। इसका म्यूजिक तो सही है और जो गेम प्ले ग्राफिक है वो इतने बढ़िया तो नहीं है फिलहाल की कंडीशन में। ठीक है वही यार, कोरियन वाला आइटम, और क्या बोल सकता हूँ मैं इसके ऊपर। और ये सीक्रेट वॉर का या कौन सा गेम है यार, ये सुपर वॉर का गेम का लूना स्नो का यूनिफॉर्म है जो कि एकदम भद्दा है, और अटैक इसका बहुत ज़्यादा वियर्ड है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन और डिमांड और सजेशन भी आए थे कि काफ़ी ज़्यादा भद्दे इसके जो एनिमेशन से काफ़ी ज़्यादा भद्दे और स्किल्स एनिमेशन काफ़ी भद्दे। वैसे गेम जैसा वो गेम है वैसे उसके हिसाब से डिज़ाइन जो बनाया गया है वो ठीक है, लेकिन जो उसको जिस तरीके से बाकी का जो दिया गया है वो तुम समझ सकते हो क्या दिया है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता, मेरा कोई अधिकार या हक नहीं बनता टिप्पणियाँ करने का, लेकिन जो भी एनिमेशन या स्किल्स उसके दिखाए गए हैं, आई इच्छा गा बजाक थू, भगवान करे कि लूना स्नो का टीयर फोर आए तो टाइम लगे और 5-6 महीने बाद आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है। और अगर ये आती है तो इसका जो बायोमेट्रिक्स है वो पेड कैरेक्टर का बायोमेट्रिक्स है, तो वो लाने में हमारे पसीने छूट जाएंगे बोला, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाकी इसका स्कूट सूट वगैरह ठीक है, थोड़ा सा वो पिक नहीं पहना ये, वो गलत पहना ये, अंदर पहनाने चाहिए था। बाकी तो ठीक है यार, बाकी तो मेटल का सूट है उसका, मेटल या स्टाइल कुछ डिफरेंट टाइप तरह का मेटल लग रहा है। 3099 होगा शायद मे भी, या 2099 पता नहीं, 3099 हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 2099 की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लग तो नहीं रही है, 3099 की लगनी चाहिए मे भी, जो भी है जैसा भी है ठीक है ओके। और ठीक है, बीच में यहाँ पर थानोस भी है, थानोस है, प्रॉक्सिमा है, और कौन भी है, ओके थानोस स्पाइडरमैन है यहाँ पर, मैं कौन सा कैरेक्टर था वो पता नहीं। और ये लूना स्नो का स्नो स्पेस रिमिक्स करके कुछ तो सूट है, ओके ठीक है, 3099 वाला सूट है ये, ओके ओके ठीक है, मतलब ठीक है यार, मैं इसके ऊपर क्या ही इसके ऊपर वार्तालाप करूँ, मतलब जी जैसा गेम वैसा बेस, जैसा देश वैसा बेस, ओके बोलने के लिए दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन एज अ गेम में ऐसा ही अगर सेम कॉपी पेस्ट कर दिया तो भाई बहुत बकवास लगेगा, मैं कसम से बता रहा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आठू मैं मजाक नहीं कर रही, लाइक बहुत घटिया लुक होगा यार अगर ये ऐसे लुक के साथ आया, बहुत बेकार। इससे अच्छा तो मैं स्पाइडरमैन को टीयर फोर कर दूँ, वो भी 10 बार 5 बार वो चल जाएगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं भाया, ये यूनिफॉर्म नहीं। ब्लैक पैंथर का अपडेट पहले देखते हैं, उसके बाद में लूना स्नो बाद में दोगे आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ब्लैक पैंथर का अपडेट मिलना चाहिए, ब्लैक पैंथर ज़्यादा नीड है हमें ब्लैक पैंथर की। और वैसे भी ब्लैक पैंथर का अपडेट मार्च अपडेट में आ जाएगा, मे बी हो सकता है मार्च अपडेट परफेक्ट अपडेट हो ब्लैक पैंथर के लिए, क्योंकि फरवरी में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया आ रहा है, उसके साथ में कैंग द कॉन्करर आएगा, वर्ल्ड बॉस लेजेंड आएगा, जीबीआर आएगा, क्या आएगा मालूम नहीं, कुछ कह नहीं सकते, तो उसमें आने में वक्त लगेगा, फरवरी में आएगा अपडेट ठीक है। तो उस अपडेट के हिसाब से अभी देखते हैं, ब्लैक पैंथर का अपडेट मार्च में आ सकता है कि मई में आएगा कि जून जुलाई में आएगा पता नहीं। अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी भी आ रही है इसी साल, तो देखते हैं अभी कब तक कौन सा अपडेट कब आएगा, वो तो देखने में मज़ा आएगा।